जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 22 नवंबर को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सेना के दो कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुबह 9 बजे सेना को आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इनकाउंटर में सेना के दो कैप्टन और दो जवान शहीद हो गए। कश्मीर सुरक्षा बलों के दबदबे का असर स्थानीय आतंकियों पर सीधा नजर आ रहा है। लगातार होने वाली भर्तियों के प्रति रुझान कम हुआ है और ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क भी कमजोर पड़ने लगा है। इसके बावजूद विदेशी आतंकियों की मौजूदगी चुनौती बनी है। इसके जरिए पाकिस्तान से लगातार आतंकी नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को खुफिया एजेंसी ने सीमा पार से आए मैसेज को डिकोड किया, जिसमें लश्कर और जैश आतंकियों को घाटी में हमला तेज करने को कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक इस साल स्थानीय आतंकियों की भर्ती में बड़ी कमी के संकेत मिल रहे हैं। इस साल भर्ती का बड़ा आंकड़ा दोहरे अंकों के आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन विदेशी आतंकियों की मौजूदगी और स्थानीय लोगों को आगे बढ़कर थोड़े थोड़े अंतराल पर हत्या की घटना को अंजाम देने की रणनीति से सुरक्षा बलों की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अभी तक 60 से 70 विदेशी आतंकी अलग अलग हिस्से में छुपे हो सकते हैं। जब भी ये संख्या कम होती है, पाकिस्तान घुसपैठ का प्रयास करता है और घाटी में एक निश्चित संख्या बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। पिछले साल लगभग 137 आतंकी सक्रिय थे, इसमें 55 स्थानीय और 82 विदेशी दहशतगर्द शामिल थे। अधिकारियों का कहना है, पिछले 2 सालों में स्थानीय आतंकियों की संख्या कम हो रही है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में कुल 107 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं। इनमें से 36 स्थानीय आतंकी, जबकि विदेशी आतंकियों की संख्या 60 से 70 के बीच है। पिछली आतंकवादी वारदातों पर नजर डालें तो 17 अक्टूबर को राजौरी और कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए थे। पहला एनकाउंटर 16 नवंबर को कुलगाम में शुरू हुआ, जो 17 नवंबर तक चला। इसमें 5 आतंकी मारे गए थे। ये सभी हाल ही में हुए टारगेट किलिंग में शामिल थे। दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ, जिसमें 1 आतंकी मारा गया।